1000 लोगों ने किया बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा का स्वागत। उभाव से बजरंग दल द्वारा चलने वाली 10 दिवसीय भव्य शौर्य जागरण यात्रा बंशी बाजार सुखपुरा हनुमानगंज होते हुए जापालीनगंज पहुंची। मार्ग के कई स्थानों पर रथ का भव्य पूजन अर्चन एवं स्वागत किया गया। इसके पश्चात जापालीनगंज दुर्गा मंदिर पर विराट धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जिले के सभी महावीर झंडे अखाड़ा कमेटी के अध्यक्ष सदस्य, कई विद्यालयों के अध्यापकगण एवं जिले के हजारों जनमानस उपस्थित रहे। विश्व हिंदू परिषद लखनऊ क्षेत्र के सहगांव रक्षा प्रमुख मधुराम जी ने कहा कि हिंदू समाज को अब राम बनने का समय आ गया है। भारत का हर एक व्यक्ति राम है और अब राम जी की ही तरह संस्कारों के साथ साथ अधर्मियों का नाश करना भी है। उन्होंने कहा, हिंदुओं को सहिष्णु नहीं बल्कि गलत कार्यों का विरोध करना चाहिए। विश्व हिंदू परिषद बलिया के जिलाध्यक्ष श्री मंगल देव चौबे ने कहा कि ये शौर्य जागरण यात्रा भगवान श्री राम के विराट मंदिर निर्माण एवं प्राण प्रतिष्ठा के लिए निकाली गई है। इसका मूल उद्देश्य भारत में पुनः राम राज्य की स्थापना एवं स्नातक संस्कृति को पुनः जागृत करना है। श्री चौबे ने कहा कि बजरंग दल सदा से सेवा, सुरक्षा और संस्कार के पथ पर चला है और विश्व हिंदू संस्कृति एवं गौ माता की रक्षा के लिए आधी रात को भी तत्पर रहकर गौ तस्करों को पकड़ता है। बजरंग दल के प्रांत संयोजक पूर्णेंद्र जी ने कहा कि बजरंग दल अपनी स्थापना से ही राम काज में लगा है और राम जी के कार्य के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। यह बजरंग दल शौर्य जागरण यात्रा हिंदुओं को पुनः उनके धर्म के प्रति तत्पर रहकर राम राज्य की स्थापना करने के लिए निकाली जा रही है। अयोध्या के पूज्य संत भरतदास जी महाराज ने हिंदुओं को उनकी मूल संस्कृति का परिचय कराया। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत मंत्री नागेंद्र जी, प्रांत सह संयोजक एवं इस यात्रा के प्रमुख दुर्गेश प्रताप राव एवं प्रांत के सभी सदस्यों का स्वागत बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद बलिया के पदाधिकारियों द्वारा भव्यता के साथ किया गया। उक्त कार्यक्रम में जिला मंत्री भानु तिवारी, जिला उपाध्यक्ष कृष्णा जी, श्याम जी, जिला कोषाध्यक्ष मनोज जी, जिला सह मंत्री जितेंद्र ठाकुर और संजीव दुबे, जिला सह संयोजक राजू पटेल, सौमित्र पांडे, श्रवण जी, संदेश जी, आशीष जी, अमरेंद्र जी, विवेकानंद पांडे, मोहित जी, अरुण सिंह, रितेश मौर्य, संदीप जी, शुभम शिवम जी, दीपक जी आदि अनेक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला कार्याध्यक्ष सुनील यादव ने किया।